मतलब ईद वाले दिन मुझे फोटोग्राफ बना दिए। तो अभी जैसे कि टाइम हो रहा है शाम के मतलब 7 बजने में अभी 10 मिनट कम है और टाइम वैसे अभी अंधेरा हो चुका है, मतलब शाम हो चुकी है, लेकिन अभी चांद दिखेगा नहीं क्योंकि अभी नमाज में 5 मिनट है और नमाज पढ़ के आके ही चांद दिखता है, मतलब नमाज के बाद ही चांद दिखता है। तो आज भी नमाज के बाद ही चांद दिखेगा, पहले नमाज पढ़ के आता हूँ, उसके बाद देखते हैं चांद, ठीक है। अभी चढ़ते चढ़ते हाफ चढ़ जाती है यार, कसम से बहुत ऊपर आना पड़ता है। अरे चांद नहीं दिख रहा यार, लेकिन कल तो पक्का ईद है। हाँ कल ईद जरूर है, मुझे पता है, आप लोग भी यकीन कर लो कल ईद है तो है। बस अभी मेरे को चांद दिख गया, लेकिन अभी किसी को यहाँ पे दिखा नहीं है चांद। ये देखो यहीं कहीं पे चांद है, यहाँ कहीं पे चांद है, पर मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, अब गायब हो गया यार, अब दिखाई नहीं दे रहा मुझे बिल्कुल यार। अभी मैं उधर जब देख रहा था उधर नहीं था चांद, चांद है इधर, और मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है। ये है देखो, ये है चांद। अरे दिख गया, दिख गया। अरे चांद ही है। और उधर दिख रहा था लेकिन उधर था नहीं, लेकिन चांद इधर था ऊपर। तो अभी बज रहे सुबह के 4:30 और नींद बहुत तेज आ रही है मुझे, लेकिन अभी सुबह में नमाज पढ़नी है मुझे और ईद की नमाज भी पढ़ के आना है क्योंकि नमाज आज जल्दी होगी, तो इस वजह से हम लोग अभी उठ गए और अब मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो गाइस अभी हो रहे हैं 6 बज रहे हैं और मैं अभी ईद की नमाज पढ़ाया हूँ और सूरज बहुत तेज आ चुका है। तो आपको आदत ब्लॉक की तरफ से ईद मुबारक हो। तो ईद की नमाज इतनी जल्दी हो कैसे गई मैं आपको बताता हूँ। हम लोग गए थे फर्ज की नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन फर्ज की नमाज के साथ साथ मतलब कुछ लोग थे और इमाम साहब ने कहा कि मैं ईद की नमाज, जैसे ही सूरज निकला ईद की नमाज उन्होंने पढ़ा दी और हमारी ईद की नमाज ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदा कर ली है और बहुत ज्यादा खुशी हूँ मैं। अब हमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो ईद पे होता है, पहली तो नमाज होती है, ठीक, और दूसरा इम्पोर्टेंट क्या होता है पता है, किससे मानी जाती है, सेवैयों से। सेवैयाँ भी खानी है पता है, बन रही है फिर खाते हैं। और हाँ एक चीज़ और, हाई कुर्ता चेक करा है आपने, अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा बता दूँ, देख लो आप। गाइस अभी सेवैयाँ तैयार हो चुकी हैं और सेवैयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, अब हम इसे खाएंगे, उसके बाद में थोड़े फोटो शूट कराने और देखते हैं फिर। ईद वाले दिन मुझे फोटोग्राफ बना दिया इन लोगों ने, बनाया मुझे सबसे ज्यादा फोटोग्राफ। शूट पूरे करने के बाद में अब हम लोग कहीं से घूमने जाने हैं, मतलब घूमने, देखते हैं कहाँ जाएंगे, चलते हैं, चले। एक चीज नोटिस करी, तुम्हारे भाई की नई चप्पल रिलैक्स हो गई, आज ही आई है भाई, भाई पैसे मत पूछिए। और यहाँ अपना मतलब बहुत ज्यादा शांति है, मतलब आज ईद वाले दिन भी इतनी शांति है, लॉकडाउन है ना इसलिए। और ऑक्सीजन सिलेंडर जा रहा है देखो आप भाई, ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसकी बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ रही है। और अपनी गाड़ी आज काफी ज्यादा चली है, मतलब ये दिखाता नहीं है, चलना वाला कुछ नहीं दिखाता, ये नॉर्मल गाड़ी है, सही है। कहाँ चलें अब, डिसाइड कर लो यार, कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, जाना कहाँ पे है, लॉकडाउन है और ऐसे जा भी नहीं सकते उठ के एकदम, तो देखते हैं अभी अपनी गाड़ी के साथ चल रहे हैं फिर। अब गाड़ी की चाबी इधर लगानी है, लॉक लगा के रखा था हम लोगों ने, मास्क और लाल रूप। तो अभी मास्क जैसे कि मैंने लगा लिया है, अब चल रहे हैं, ठीक है। एक बार मेरी बात सुन लो कि जो ये गाड़ी है ना, ये स्टार्ट सिर्फ एक की वजह से होती है कि मैं रेस देता हूँ, तो पता तुम्हें ये मेरे वजह से स्टार्ट हो रही है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से, यहाँ पे बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है और कई लोगों ने मुझसे ईद मिली, लेकिन मैंने ज्यादा लोगों से ईद नहीं मिली आज, और मिलनी भी नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा कोरोना और ज्यादा फैलेगा, समझ रहे। तो इस वजह से आप लोग मिले ना, बस ये है कि दिल से दुआएं दे दें, बस वही बहुत काफ़ी है, लेकिन ईद ना मिले तो बेहतर रहेगा क्योंकि सामने वाले को कुछ पता नहीं। तो अभी हम लोग अपने मेन चौराहे पे आ चुके हैं और यहाँ पे शांति बहुत है, इधर वाले पे चल रहे हैं, पास पड़े चल रहे, ये सारी चीज़ें पास पड़े, हम लोग इधर साइड में चल रहे हैं, ठीक है। और पुलिस वुलिस कोच भी नहीं है आज यहाँ पे, और बड़े दिनों में आज निकल के आए हैं यहाँ पे हम लोग, जो हम दोनों है ना, काफ़ी दिनों में अपने लोग निकल के आए आज, है ना,
ढाबा खुला आ रहा है, शराब की दुकान भी खुली है। यहाँ का जो सूरज वगैरह मतलब अभी जो व्यू आ रहा है ना सूरज का, काफी अच्छा आ रहा है। देखो आप शाम के बज रहे हैं 6 अभी, और अभी हम लोग ऊपर पुल की तरफ जाएंगे और काफी टाइम के बाद ही हम लोगों को वहाँ जाना हो रहा है। इतने टाइम अपनों को लगभग कितने बरेली साहब को कितने दिन हो गए होंगे, आप लोगों को समथिंग 2 महीने बाद जा रहे हैं हम लोग। इधर तो हम बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं, इधर 2 महीने बाद जा रहे हैं, इधर तो 2 महीने के बाद जा रहे हैं हम इधर साइड में। और शाम और सुबह का जो हवा ऑक्सीजन मिलती है ना, वो ऑक्सीजन सिलेंडर से काफी अच्छी ऑक्सीजन होती है। जो नेचुरल आपको ऑक्सीजन लेनी है सुबह उठ के लो और शाम को टहल के लो, वही ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अच्छी होती है। हेलो 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 हेलो, अभी हम लोग आ चुके हैं ढाबे पे, वो है सामने ढाबा, काफी अच्छा व्यू है, लेकिन रोड पार करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन आज के टाइम में कोई चुनौती नहीं हुई, गाड़ी अभी ज्यादा चल नहीं रही। भाई लौंडा कैसे बैठा भाई, गलत बात है, ऐसे मत बैठा करो, ठीक है? क्या पता कौन सा ट्रक ऊपर डिवाइडर पे चढ़ के तुम्हें फोन दे। और ये इधर का जो गाँव है इसे कुलचा कहा जाता है, यहाँ का जो गाँव है इसे कुलचा कहते हैं। हाँ भैया स्टैंड लगा लूँ पहले तो मैं, और उसके बाद चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलो आ जाओ। समोसे नहीं मिल रहे हैं, समोसे चाय है, चाय है, चाय चाय और बड़े दिनों के बाद काफ़ी टाइम कितना टाइम हो गया, 2 महीने 2 या 3 महीने हो चुके हैं यहाँ पे चाय के ऊपर। लॉक सलमान भाई की नई मूवी आई राधे, और सलमान भाई वो है सामने, देख रहे हो सलमान भाई का स्वैग। तो इसके अंदर इतनी चूला है, अभी इनने क्या इनने अभी जाके होटल पे जाके पूछा कि चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसने हम करा अब ये कह रहा है कि अब हम यहाँ पे चाय नहीं पियेंगे। क्या हुआ, ये कह रहा है अब मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो आ जा पी लेते हैं, आ जाओ आओ चाय, पहले चाय पी लेते हैं उसके बाद में घूम के आएंगे। हमें इधर जाना ठीक है, सॉरी इधर जाना, भूल जाता हूँ कभी। बन गई भैया चाय, रख दी है उन्होंने। बैठो बेटा बैठो। मास्क लगाते लगाते ना मतलब सांस ऐसी हो जाती है, मतलब घुट सी जाती है यार। अभी 2 दिन के बाद में मतलब जो चीज़ है 2 दिन, एक नेक्स्ट ब्लॉग जो आपको आएगी, मतलब जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगी उसमें आप लोग पता चल जाएगी 2 दिन के बाद क्या है। चाय बोल दी लेकिन कुल्लड़ वाली नहीं बोली, हमने सादा चाय बोली। सादा चाय वैसे अच्छी नहीं लगती, कुल्लड़ वाली में जो टेस्ट आता है भाई, उस टेस्ट से मतलब क्या कहने, यहाँ जो मिट्टी का टेस्ट आता है। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मिट्टी का टेस्ट आप लोग कैसा, कितना पसंद है आप लोग। चाय आ चुकी है और कॉन्टेस्ट करके बताए इन दोनों कप में से कौन से कप में से चाय गिरी है, बताइए कैसे रीजन। ज़्यादा भरा भरा, बहुत सही, चाय इसमें से गिरी है लेकिन वहाँ कप रखा हुआ था, मैंने यहाँ पे रख दिया उठा के। तो अभी हमें पुलिस वालों का बिल्कुल डर नहीं है कि आज एक ईद का दिन ही ऐसा है जिसमें पुलिस अभी नहीं है, ज़्यादा पुलिस नहीं है। रमज़ान के बाद आज पहला दिन ऐसा है जो इतने टाइम में कुछ खा रहे हैं, ठीक ना ना, चेयर्स नहीं करते, हराम हो जाता है बिल्कुल। बहुत गर्म है यार, ये इतनी पानी चाय पीता है भाई, साहब इतनी ज़्यादा पानी चाय पीता है कि अगर चाय उसके पास में ला के रख दो ना तो जब तक चाय कुल्फी ना बन जाती तब तक चाय पीता नहीं। मज़ा क्या है जब तक गर्म चाय, तब तक होठों पर जब होठ को जला ना जब तक चाय का मज़ा नहीं आता, समझ लो। चाय फिनिश हो चुकी है, अब हम लोग पेमेंट करने जा रहे हैं। चलो भाई काफ़ी टाइम हो चुका है, रात भी होने वाली है, अब घर चल रहे हैं या फिर देखते हैं। हाँ चलें अब घर पर, चलो आप। अभी का जो मौसम हो रहा है ना काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है, शाम का टाइम है, गाड़ी मतलब इतनी तेज निकाल रहा है जो भी निकाल रहा है। सही लगी चाय यार, हाँ चाय बढ़िया लगा, बढ़िया लगी, बढ़िया लगा नहीं बढ़िया लगी, पर नमकीन नवरत्न की थी। और इधर एक मजार शरीफ है, अभी यहाँ की ना लाइट ओपन नहीं हुई है अभी, है ना, और जो हमारा ये पुल है ना यहाँ की शायद एक ही लाइट अभी चल रही है, और जब ये सारी लाइटें जलती है ना रात में बड़ा ही अच्छा व्यू आता है यहाँ का। सब सिग्नेचर ब्रिज है दिल्ली का, ये है बहुत बड़ा केले का खेत, मतलब पूरे एरिया में केला ही केला फैले पड़ा है, आपको तब से दिखाई नहीं देगा शायद।